तो आपने समर्थन तो यहाँ पर दे दिया, आप BCA समाज से आते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपके समर्थक राजेश तेवतिया का हाथ पकड़ के चलेंगे? भाई साहब आपने ये देखा होगा कम से कम हजार ना BCA मतलब SC BC 36 बरादी थी अभी, ये एक दो बरादी नहीं थी, जो हजार आदमी एक बरादी का नहीं होता कभी, 36 बरादी का था ये सब। और ये भाई संकेत दे रहा है हमारी एक तरफ जीत है इस टाइम कांग्रेस और BJP में, आपको सबको पता है पिटला में जो हल्का जो चल रहा ना आपस में खींचा तानी का, उसका फायदा 51 लाख 5 गाड़ी मेरी तरफ से भाई, और जितने जो कार्यकर्ता का खाना पीना जो भी रहना सहना मेरी तरफ खर्चा रहेगा भाई का, भाई तो एक चेहरा है, लड़ाऊंगा तो मैं भाई को तन मन धन से, मैंने बोल दी भाई से कोर कमेटी से, मैं भाई कोर कमेटी सब भाई के साथ लगो कल, ये हमने फैसला ले लिया पूरा। क्या कहेंगे जीतू के लिए? देखिए बड़ा दिल रखा है जो कैंडिडेट पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है कि यदि अपने किसान और अपने क्षेत्रवासियों की खुशहाली तरक्की और उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए यदि मेरी जान भी चली जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, भाजपा सरकार हो चाहे कोई और हो, एक नहीं हजारों मुकदमे दर्ज करा दे। और जितने भी लोकल लीडर्स यहाँ के भाजपा के थे उनमें से आधे से ज्यादा आज मेरे संपर्क और मेरे साथ में आने वाले टाइम में आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ अगर पार्टी चूक नहीं करती है और उम्मीदवार का सही चयन कर लेती है तो निश्चित रूप से आजा समाज पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। हरियाणा की सबसे चर्चित सीट पृथला, आजा समाज पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है। इस वक्त मेरे साथ में आजा समाज पार्टी से 2 प्रबल दावेदार मौजूद हैं, एक जीतू बैरागी है और दूसरे एडवोकेट राजेश तेवतिया है। पार्टी के लिए अच्छी खबर ये है कि कहीं ना कहीं जो BJP की अगर हम बात करें इस विधानसभा को लेकर के, तो जो एक फूट वहाँ से निकल करके आ रही है जाट बेल्ट के हिसाब से, अगर हम इस सीट को देखते हैं पार्टी का जो गठबंधन है वो JJP से है जो कि जाट वोटरों का दावा करती है, आजा समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो दलित वोटर से है। अब यहाँ पर मायने रखता है कि प्रत्याशी का चेहरा, अभी जो जीतू है इन्होंने राजेश तेवतिया जी को अपने हजारों समर्थकों के साथ में गांव साहूपुरा के अंदर जो है समर्थन दे दिया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले उनसे ही जो है बातचीत करेंगे, आप बैकफुट पे क्यों चले गए, ऐसा क्या आपको लगा और इसके पीछे क्या वजह है कि आपने एडवोकेट राजेश तेवतिया को अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दे दिया? भाई साहब आप गलत कह रहे हो, मैं बैकफुट में मैं आगे गया हूँ, मैं हारना नहीं चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ भाई तेवतिया के साथ। अच्छा, अब मैं सोचूं अलग अलग लड़ने की बात तो उसमें वोट कटती है हमारे आपस में, हम एक साथ होंगे तो हम अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को भाई को हम एक सीट लगा के देंगे पिटला विधानसभा से। ये बैकफुट नहीं होती है, ये सोच समझ के एक राजनीति होती है सर। अच्छा जी, जो आज हमारे कार्यकर्ता जो हजार के लगभग हर गांव से 5-5, 4-4 आए लेकर के सबरे, आज हमारे कल मीटिंग हुई भाई राजेश तेवतिया के साथ, मेरे कार्यकर्ता थे 30 कार्यकर्ता थे जो कोर कमेटी के बोलते हैं, हम 30 कमेटी बोला, जिनमें एक बंदा 3 गांव को देखता है तो 90 गांव को देखते हैं वो 30 आदमी मेरे बंदे, उनसे मैंने सलाह ली भाई ऐसे सब मुझे जीत करनी है, हमारे भाई चंद्रशेखर को एक विधानसभा में अपना मैं जीतू का राजते जीता भाई, एक को हम जरूर चंडीगढ़ में पहुंचाएंगे। चलिए आप पार्टी का पटका डाल करके डोर टू डोर गए हैं, लगातार आपने मेहनत करी, आपको देखा गया है जी। तो आपने समर्थन तो यहाँ पर दे दिया, आप BCA समाज से आते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपके समर्थक राजेश तेवतिया का हाथ पकड़ के चलेंगे? भाई साहब आपने ये देखा होगा कम से कम हजार ना BCA मतलब SC BC 36 बरादी थी अभी, ये एक दो बरादी नहीं थी, जो हजार आदमी एक बरादी का नहीं होता कभी, 36 बरादी का था ये सब। और ये भाई संकेत दे रहा है हमारी एक तरफ जीत है इस टाइम कांग्रेस और BJP में, आपको सबको पता है पिटला में जो हल्का जो चल रहा है ना आपस में खींचा तानी का, उसका फायदा भाई कहीं इसी खींचा तानी को ध्यान में रखते हुए आपने फैसला लिया है? मैं सोच समझ का फैसला ले लिया, मैंने कोर कमेटी में जो मेरी कमेटी है ना 30 आदमियों ने सोच समझ का फैसला लिया, इस खींच तानी में से हम भाई राजेश तेवतिया को चंडीगढ़ पहुंचाएंगे हम। क्या सहयोग रहेगा आपकी तरफ से इनके लिए, आर्थिक सहयोग क्या रहेगा और मैन पावर क्या रहेगा? भाई साहब मैन पावर की पहले तो मैं करूँ सहयोग की, 51 लाख 5 गाड़ी मेरी तरफ से भाई,
और जितना जो कार्यकर्ता का खाना पीना जो भी रहना सहना मेरी तरफ खर्चा रहेगा भाई का। भाई तो एक चेहरा है, लड़ाऊंगा तो मैं भाई को तन मन धन से। मैंने बोल दी भाई से, कोर कमेटी से, मैं भाई कोर कमेटी सब भाई के साथ लगो कल, ये हमने फैसला ले लिया पूरा। क्या अब जो राजेश तेवतिया की एक दावेदारी थी उसको बल मिल रहा है, वो और मजबूत हो गई आज जीतू के साथ आने से? देखिए, यदि मैं ये कहूं कि राजेश तेवतिया को बल मिला है तो अतिशयोक्ति होगी। मैं ये कह सकता हूं कि आज आज़ाद समाज पार्टी को माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन सिंह जी और जो सपना डॉक्टर धर्मवीर परवाल जी ने हरियाणा के हितों के लिए देखा है, आज उसको बड़ी ताकत और मजबूती मिली है। निसंदेह बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या कहेंगे जीतू के लिए? देखिए, बड़ा दिल रखा है जो कैंडिडेट पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और फिर क्षेत्र की खुशहाली और आने वाले भविष्य को देखकर जो पार्टी की नीतियों में जो भरोसा जताया और दिखाया है, उसमें जो त्याग का परिचय दिया है, निसंदेह भाई जीतू का बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरे भाई ने एक उचित और सही फैसला लिया है। तो यदि मैं 100 बार भी अपने भाई का धन्यवाद करूं तो वो कम होगा, लेकिन हम सब एक एक कार्यकर्ता, मैं हूं चाहे जीतू हो चाहे कोई और भी है, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा, उनके सपने और संघर्ष को सार्थक करने के लिए लगातार रात दिन आने वाले टाइम में आपको सड़कों पर दिखाई देने वाले हैं। अब राजेश तेवतिया अपने आपको कितना मजबूत देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक फूट है, और इसको साफ शब्दों में कहें क्योंकि जाट बेल्ट है और बीजेपी ब्राह्मण पे दाव खेल रही है, बसपा वो भी ब्राह्मण पे और दलित पे जो है इस बार दाव खेल रही है, हारे हुए प्रत्याशी को लेकर के आ रही है। कांग्रेस का अभी तक चलिए कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या इसका फायदा जाट बेल्ट में जाट प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रबल दावेदार को मिलता हुआ दिख रहा है? निसंदेह, मैं ये कहता हूँ आजाद समाज पार्टी पिथला विधानसभा से एक तरफा लहर के साथ भारी बहुत से विजयी होने वाली है। जहाँ तक बात करते हो आप कांग्रेस या बीजेपी की, तो उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। विधानसभा जो पिथला है वो सारी ग्रामीण विधानसभा है। आप देखिए 11.5 महीने से किसान बैठा है, उनकी कोई सुध नहीं ली। मेरे सहित कम से कम सैकड़ों किसानों पर मुकदमे तक भाजपा सरकार ने दर्ज करा दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि यदि अपने किसान और अपने क्षेत्रवासियों की खुशहाली, तरक्की और उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए यदि मेरी जान भी चली जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाजपा सरकार हो चाहे कोई और हो, एक नहीं हजारों मुकदमे दर्ज करा दे, पैसे से वकील हूं, हर चीज़ को मैनेज और मेंटेन करना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अच्छा, क्या जो बीजेपी से जो बागी नजर आ रहे हैं अभी इस पतला विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है? कि पिछले विधानसभा से एक भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी है जो कि बाहरी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। और जितने भी लोकल लीडर्स यहाँ के भाजपा के थे, उनमें से आधे से ज़्यादा आज मेरे संपर्क और मेरे साथ में आने वाले टाइम में आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। तो निसंदेह उन सभी ने भी बोला है कि हम बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं भी ये कहता हूँ, क्या पिछले विधानसभा में लीडर्स की कमी थी? किसने मेहनत नहीं की? बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे जो दिन रात सड़कों पर उतरे, अपनी मेहनत की, अपनी बातें लोगों के सामने रखी। और इस बार बाहरी को पिथला विधानसभा के लोगों पर थोपना, ये पिथले विधानसभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो आप निश्चिंत रहिए, देखते जाइए आगे आगे क्या खेल खेलते हैं। अब आप कितने आश्वस्त हैं कि आप पर मोहर लगने वाली है पार्टी की तरफ से? देखिए, हर कार्यकर्ता का और हर पदाधिकारी का जो किसी भी पार्टी के साथ में ईमानदारी से मेहनत करता है, वो अपनी बात को रखने का अधिकार भी रखता है और हक के लिए मैं मानता हूं कि लड़ना भी चाहिए। तो निसंदेह पिछले विधानसभा का समीकरण इस बार ऐसा बैठा है कि आजाद समाज पार्टी जो जज्बा और जो सनसनी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों ने और विनय रतन सिंह एवं डॉक्टर धर्मवीर परवाल जी के सार्थक और सकारात्मक प्रयासों से पिछले विधानसभा सहित सारे हरियाणा में जो लहर दौड़ी है, उसका फायदा पिछले विधानसभा सहित हरियाणा में बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टी को मिलने वाला है। आपके स्थानीय बुनियादी मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेके आप जनता के बीच गए हैं और अब जाने वाले हैं? देखिए, बड़ी विडंबना है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मूलभूत सुविधाओं की कमी रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसे काम भी पूर्ववर्ती नेता और जो भी विधायक है नहीं कर पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब ये जो चुनाव है ये केवल रोने पर नहीं होगा, रो तो लिए, बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी रो लिए, अब भी रो लिए, मैं कहता हूं अब की बार रोने का नहीं, आप पृथला विधानसभा के क्षेत्र वासियों के हक, उनके सपने, उनकी आगे की प्रगति, भाईचारे, खुशहाली और मुद्दों के आधार पर रहने वाला है, जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपसे कहता हूं कि एजुकेशन हब होगा पृथला विधानसभा। मेरी बहन, बेटी, भाई, कोई भी मेरे विधानसभा का कोई भी बच्चा पैसे की वजह से, चैनल के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं कि क्षेत्रवासियों में से किसी भी बच्चे को पैसे की वजह से शिक्षा से वो ना वो वंचित होगा। और मेरी बहन बेटियां जिनको बहुत सारी दिक्कत है हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में होती है, क्योंकि मैं कितनी जगह जाता हूं तो वहां उनके दुख को, दर्द को मैंने महसूस किया है, बहुत सारी बहन बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो ये पृथला विधानसभा आने वाले टाइम में एजुकेशन हब होगा, और जो युवाओं के साथ में छलावा किया गया रोजगार के नाम पर, वादा करता हूं राजी से चाहे गैर राजी, युवाओं के हक की लड़ाई राजेश तेवतिया बहुत मजबूती से रखने वाला है और ये काम उनका करा कर भी रहूंगा। फिर इसके साथ साथ में एक दो मुद्दे मेरे और भी हैं, जैसे कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम अपनी विधानसभा में लाऊंगा, एम्स की ब्रांच पृथला विधानसभा में लाऊंगा, एवं महिला सुरक्षा सम्मान जो कि देवी का स्वरूप है, उनकी सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, और उसके साथ साथ में स्वरोजगार की स्कीम भी मैं, हमने पूरा खाका तैयार कर रखा है। तो उन सभी मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि उनका प्यार और आशीर्वाद जैसे मुझे इस चुनाव में मिलने जा रहा है, तो एक इस बार फिर विधानसभा एक इतिहास रचने वाली है। चलिए, प्रबल दावेदारी आपकी नज़र आती है, और बाकी जो आपके समर्थक हैं और जीतू भाई के समर्थक हैं उनसे भी जो है एक एक मिनट हम बात करना चाहेंगे। जी क्या आज जो प्रबल दावेदार रहे हैं जीतू, उन्होंने एक और दावेदार आजाद समाज पार्टी से राजेश तेवतिया जी को जो है समर्थन दे दिया, क्या कहना चाहते हो, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राजेश राजपूत है और मैं 18 साल से इंडियन नेशनल लोकदल के अनेकों पदों पर रहा हूँ और मैं कार्यकर्ता काफ़ी पदों पर रहा हूँ। और जीतू भाई बहुत संघर्षशील और जुझारू नेता हैं और लोगों के बीच में रहने वाले हैं, और राजेश तेवतिया जी जो हमारे हैं ये व्यवहार के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों की सेवा करने का इनका बड़ा भाव है। इनका जो रुतबा लोगों के बीच में है, इनका जो प्यार है, लोगों को सम्मान देने का तरीका है, वो सबसे अनोखा है, और उसी कारण आज मैं राजेश तेवतिया जी के साथ हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं आज जो दो दावेदारों ने जो है अपने आप को कहीं ना कहीं एकजुट कर दिया और वो एक बन गए, क्या कहेंगे? हमें जी अपने समाज के लिए एक पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए जो हमें मिल रहा है, और हमें बहुत आशा है इनके ऊपर कि ये बहुत अच्छा समाज को चलाएंगे, इसलिए हमें राजेश तेवतिया ही चाहिए। क्या 36 बरादरी का साथ मिलता हुआ दिख रहा है आपको तेवतिया जी को? हाँ जी, हमें 100% दिखाई दे रहा है, 36 बरादरी का जो साथ हमें दिखाई दे रहा है, जो इनको सारे बोलते हैं कि बहुत अच्छा नेता बनेगा और अच्छा लिखा पढ़ा लिखा है और समाज को अच्छा चलाएगा। चलिए, ऐसा लोगों का मानना है, और पार्टी का गठबंधन जेजेपी से है जो कि कहीं ना कहीं जो जाट वोटर है उनका दावा रखती है। जीतू भाई का जो समाज है वो भी जो है आज कहीं ना कहीं तेवतिया जी के साथ खड़ा हुआ है, पार्टी का साथ का जो वोटर है वो भी साथ है, और जो एक बिखराव की स्थिति विधानसभा में जो पैदा हुई है, जो बागी हुए हैं बीजेपी में, उसके लिहाज से कहीं ना कहीं देखें तो आजाद समाज पार्टी की मजबूती यहाँ पर साफ तौर पर बनती हुई दिख रही है। और इसमें भी अगर जो है अगर ठीक ठाक उम्मीदवार का चुनाव पार्टी करती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सीट पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये सीट कभी भी किसी एक पार्टी के खाते में नहीं रही है, यहाँ पर समय समय पर जनता ने बदलाव करा है, यहाँ से इंडिपेंडेंट भी जो है जीत हासिल हुई है। तो यहाँ अगर पार्टी चूक नहीं करती है और उम्मीदवार का सही चयन कर लेती है तो निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो पर, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।